क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि मैटर जो होता है वो एक या फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो कोई भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, एक्सेप्ट नॉबल गैसेस। सिर्फ नॉबल गैसेस ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। बट अगर हम एक ग्रुप ऑफ एटम को देखें, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम जो एक स्पीशीज की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब टुगेदर एग्जिस्ट करता है, जिसकी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूल कह देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कोई ऐसी फोर्स तो होगी ही जो इन एटम्स को बाइंड करेगी, है ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम्स एक दूसरे से बाइंड करके एक दूसरे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो कोई तो फोर्स होगी जो करेगी इनको बाइंड। तो दी अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आयन्स एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, उनको होल्ड करती है, ठीक है, टुगेदर इन इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, जो मर्जी केमिकल स्पीशीज हो जाए जिनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड करेगी, उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज, इट रेजेस मैनी क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमें पता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होगी वो कैसे होती है, केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, काफी सारे एटम्स मतलब वेरियस एलिमेंट्स होंगे, उनके जो एटम्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, काफी सारे वेस में। तो हमें काफी सारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, अगर कंबाइन कर ही लिया तो क्यों सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल होते हैं, या फिर क्यों एटम्स कुछ एटम्स कंबाइन कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनेट शेप क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो उनका आंसर देने के लिए काफी सारी थ्योरीज कंसेप्ट्स बनाए गए, ठीक है, टाइम टू टाइम बने, जैसे कि कॉसल ल्यूइस अप्रोच हो गई, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन VSEPR थ्योरी हो गई, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, और जो ये काफी सारी थ्योरीज बनी ये केमिकल बॉन्ड्स के नेचर पर थी, मतलब उनके बेसिस पर थी, और उनके जो वेलेंस बॉन्ड्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बेसिस पर ये सारी थ्योरीज बनी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड थी? रिलेटेड टू डेवलपमेंट्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे हमारी जानकारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बढ़ती गई, ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, इनके बारे में जब हमारी जानकारी बढ़ती गई उसके बाद मतलब साथ साथ में ही ये थ्योरीज टाइम टू टाइम बनती गई, ठीक है। तो हर एक जो भी सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, और बॉन्डिंग क्या है, एक नेचर का वे है जो एनर्जी को लोअर करके स्टेबिलिटी अटेन करवा देती है, इसलिए बॉन्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो भी एटम्स हो, एलिमेंट्स हो, या फिर कोई भी सिस्टम हो, क्योंकि उनको स्टेबल होना होता है, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉसल ल्यूइस अप्रोच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।